तो आज क्लास 10 का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हमारे सामने है कुलदीप चौधरी, वो अपने रिजल्ट के बारे में बताएंगे और बताएंगे इनका जर्नी कैसा रहा, ठीक है, और जानेंगे हम इनके बारे में कि इनका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इनको बधाई देते हैं, इनका जानते रिजल्ट कैसा है, आज का रिजल्ट आपका कैसा है बाबू? अच्छा आया, 91.5% आया। अच्छा, इनका रिजल्ट आया है सिवेसी 91.5% आया। अच्छा, 91.5% आया, उसमें आपका सबसे अच्छा मार्क्स किसमें आया? मेरा सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में। सोशल साइंस में आपका कितना है? 96। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी 96। अच्छा, मैथमेटिक्स में 96 है, उसके बाद 90 साइंस में। ओके, वेरी गुड। उसके बाद? उसके बाद हिंदी। अच्छा, हिंदी में कितना है? 84। आवाज़ लो हो गया आपका 84। ओके, बाकी सर, और लास्ट इंग्लिश में? 83। अच्छा, तो इनका आवाज़ थोड़ा सा लो हो गया, पहले हाई था फिर लो हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो आप वो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा वीक हो गया, तो इसकी वजह क्या आपका थोड़ा सा जान सकते हैं? मैंने ग्रामर को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, और लास्ट टू लास्ट मंथ्स में मैंने प्रैक्टिस किया था, बट मेरे हिसाब से मेरा ग्रामर और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कट होते हैं। क्या जनरली बच्चे जो होते हैं, या उससे ज़्यादा जो बच्चे जो मैथ साइंस के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर मैथ साइंस पे ध्यान देते हैं, बाकी सब्जेक्ट को ध्यान उतना नहीं दे पाते, जिस वजह से क्या होता है उनका पर्सनल थोड़ा सा लो हो जाता है। तो ये ऐसे ही बच्चे हैं जो हमेशा मैथ ही बनाते थे या तो साइंस ही बनाते थे, इनको अदर और SST इनको बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन इनका इंग्लिश और हिंदी जो था काफ़ी वीक था, और ये बोलते भी थे कि मेरा हिंदी वीक है सर, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि अपने आप वीकनेस को और स्ट्रेंथ को जानते अच्छे से कि मेरा क्या स्ट्रेंथ और मेरा क्या वीकनेस है। तो पहले जानते हैं, सबसे पहले अपने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, बताइए अपने जो भी ऑडियंस देख रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप चौधरी, फ्रॉम लेट पोदा। मैं पहले पोदा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, मेरा 10th पोदा इंटरनेशनल स्कूल से हुआ है, और मैं शिक्षालय ज्वाइन किया था 4 months आफ्टर माई 10th ग्रेड, मतलब कि कब से, अगस्त से, मैंने अगस्त मंथ से शिक्षालय ज्वाइन किया था। इट्स ऑलमोस्ट मई। हाँ, मई अगस्त, हाँ मई मई मई, हाँ लेट मई और अगस्त के बीच में मैंने ज्वाइन किया था। और मेरा एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स और सर और सारे टीचर्स, मैम थी और एक श्याम सर थे, मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, और होपफुली मुझे बहुत मज़ा आया पूरे सीज़न में। अच्छा, वो ठीक है, आप जो भी बता रहे हैं, पर मुझे जानना है कि आपका क्लास 10th में जो रिजल्ट इतना अच्छा आया है, ठीक है, आगे आपका क्या प्लानिंग है, आगे आप क्या चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले अभी नीट को अब टारगेट करूँगा, मेरा अब नेक्स्ट गोल नीट है, उसके बाद मैं MBBS करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थो में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या लेना है, कभी कोई नीट के लिए सोचता है, कोई IIT के लिए सोचता है, तो आप क्या उस पर सजेशन दे सकते हैं कि आपने नीट क्यों चुना, इसके पीछे का वजह क्या है? मेरा नीट लेने का वजह, मेरा पैशन फॉर बायोलॉजी, मेरे को बायोलॉजी बहुत पसंद है, मींस मेरे को बायोलॉजी में जानना बहुत पसंद है, मींस बायोलॉजिकल साइंस, और मुझे अपना ह्यूमन स्ट्रक्चर और ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में बहुत इंटरेस्ट आता है। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बायोलॉजी से डिपेंड करता है? और हाँ, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मोस्टली सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं। अच्छा। बट यस, वो ऑड वन आउट है, लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर है। अच्छा, आपके पापा भी सर डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी, डॉक्टर, और दीदी भी डॉक्टर है। हाँ। और आप भी डॉक्टर ही बनने जा रहे हो। हाँ। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप भी उसी उनके ही कदमों पे आप चलो और आप एक अच्छा डॉक्टर बनो और समाज के लिए सेवा करो। तो हमारी शुभकामना आपके साथ है। अच्छा, तो क्लास 10th में आपका जर्नी यहाँ पे कैसा रहा, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, यहाँ का पढ़ाई कैसा लगा, और स्पेशली खासकर मैं आपको कैसा लगा, तो थोड़ा सा बच्चों को बताएं जैसे कि बच्चे यहाँ के बारे में जान सके ज़्यादा से ज़्यादा। शिक्षालय एक क्या कह सकते हैं, स्टेयर्स होती है ना, आपको स्टेयर्स चढ़ना होता है, और एक जो गोल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेयर्स को चढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन एक मेंटोर से आता है। इन टर्म्स ऑफ मेंटोर, सिद्धार्थ सर, टू यू सर, सिद्धार्थ गौतम सर, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोग को स्ट्रेस आउट करते थे, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हो जाते थे। मतलब जो एक होता है पहला मॉरल सपोर्ट,
और दूसरा होता है जो आपका प्रैक्टिकल सपोर्ट होता है। मॉरल सपोर्ट वो होता है कि जो हम लोग को स्ट्रेस आउट करता है, जो हम लोग को काउंसल करता है। एज अ काउंसलर भी सर हम लोग के साथ खड़े रहते थे और जो हम लोग को पढ़ाते थे, ट्रिक्स देते थे, शॉर्ट ट्रिक्स देते थे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते थे और कॉन्सेप्ट को कैसे एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सब बताते थे। एज इन जब भी मैं पेपर दिल लिख रहा था मेरे को वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ जाता था और एक मेरा क्वेश्चन मैथ्स में नहीं बन रहा था, वो 5 मार्क का क्वेश्चन था और अचानक से मेरे को याद आया कि अगर जो क्वेश्चन नहीं बने उसको लास्ट में करो और लास्ट में भी नहीं बने तो रिकॉल करो कि सर क्या बताए थे। तो अचानक से याद आया कि पेरीमीटर एक क्वेश्चन था कि आपको एक सर्कल का मीन्स कुछ क्वेश्चन था जिसमें पेरीमीटर निकाल के उसको प्रूव करना था और मेरे को अचानक से याद आया कि उसे पेरीमीटर निकालने सर ने बोला था और एट द लेट टाइम मतलब 5 मिनट पहले एग्जाम से मैंने वो निकाला और मेरा आंसर आ गया और मेरा 5 मार्क्स बच गया। चलो मतलब कहने मतलब ये है कि जो भी क्लास में समझते थे बहुत ही ध्यान से समझते थे और उस बातों को ध्यान में रखते थे जिस वजह से क्या वो एग्ज़ाम के टाइम में इनको जो उस तरह का भी क्वेश्चन आता था अगर फंस गए तो वो उस तरह का वो रिकॉल करते थे जिससे उनको वो एग्ज़ाम में हेल्प हो पाया। तो ये अच्छी बात है कि आपका ये एक मेमोरी पावर है और उस कंसेप्ट को आप बिल्डअप करके रखते हो अपने अंदर, ये अच्छी बात है। तो एक और बात आप सब ये जानना चाहते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं जो एवरेज में हैं चाहे वीक में हैं, क्या यहाँ पे बच्चे केवल तेजी बच्चे रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं या जो बच्चे वीक है या एवरेज है वो भी अच्छा ला सकते हैं? कोई बच्चा वीक नहीं होता, कोई एवरेज नहीं होता, सब मॉडरेट होते हैं। द थिंग इज आपको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है और अपने गोल को अचीव करना है। वीक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नीचे जो क्लासेस है चाहे वो उनका 9 से पहले का हो, 8 का हो, 7 का हो, 6 का हो, नहीं तो कहीं उसका बेस वीक हो जाता है। तो उस बेस वीक होने की वजह से जब हायर क्लास में बच्चे जाते हैं तो वो उस टाइम उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं। वीक कहने का सेंस यहाँ पर ये है। और वैसे मेरे नज़र में कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है और उसको सही गाइडेंस दिया जाए, सही टीचर से उसे मिल जाए नहीं और घर पर उसको गार्जियन उसको केयर करे तो कोई बच्चा बेहतर हो सकता है, ये हम मानते हैं पर्सनली। ठीक है, तो मेरे जो बच्चा वीक नहीं होता लेकिन वीक यहाँ पे सेंस यहाँ पे ये था कि जो बच्चा जो बेस पहले से बेस वीक हो जाता है तो बच्चा जब हाई क्लास में आता है तो वो बच्चा उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाता है, नहीं तो ये हमारा सवाल था। तो मेरा ये था कि अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्या यहाँ से पढ़ के बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ सकता है क्या? फॉर श्योर अच्छा आ सकता है। मेरे साथ बहुत सारे कलीग्स मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग भी बहुत अच्छा से पढ़े हैं, सर ने बहुत अच्छे से उनको गाइड किया है और आई विल रिकमेंड यू टू जॉइन शिक्षालय। बहुत अच्छा यहाँ का मॉरल सपोर्ट और साथ पर टीचर का जो भी कोऑर्डिनेशन है विद द स्टूडेंट दैट इज़ वेल एंड वेरी गुड। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 10th में जब आते हैं ना तो वो शुरुआत से पढ़ाई के लिए इतना सिंसियर नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर सिंसियर होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th को लास्ट टाइम में ही पढ़ते हैं रिजल्ट को पास करने के लिए। ऐसे बच्चे के अब क्या कहेंगे? क्योंकि उनके मन में आता है कि लास्ट टाइम पढ़े में पास हो जाएंगे, उनका कोई खास गोल नहीं होता है। तो वैसे बच्चे कुछ कहना चाहेंगे कि टॉपर कैसे बनते हैं? अगर वो शुरू से ध्यान रखें तो टॉपर बन सकते हैं, लास्ट टाइम में रिवाइज करने का लास्ट टाइम पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो उनके कुछ ऐसा आप बात बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे आप पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं और जो बच्चे जो इस तरह करते हैं कि लास्ट टाइम में के लिए पास होने के लिए पढ़ते हैं तो आप इस तरह के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो कुछ नहीं, देखो लाइफ एक ही चांस देती है और उस चांस को ग्रैब करने के लिए भी वो एक ही मौका आपको देगी। वो एक मौका को कैसे पकड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपना नाम को फेम करना है, अपने आप को कैसे एक रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ ऑन यू। अब अगर आप उसी को जानते हो कि अगर आपका फ्यूचर ख़राब होगा और आप उसी काम को करोगे तो यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ ओनली। इसीलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट येस योर फ्यूचर इज़ ओनली दी गोल कि तुम्हारा आगे क्या होगा और तुम आगे अपने आप को और अपने फैमिली को कैसे एज ए रिप्रेजेंट करते हो। सो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये जान चाहता हूँ कि आपको पर्सनली मतलब मैं आपका सिद्धार्थ सर आपको मैं कैसा लगा और यहाँ के मैं बच्चों के लिए किस तरह का हूँ? मुझे याद है एक क्लास में मैं थोड़ा देर रुक गया था, सारे बच्चे चले गए थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि काउंसल मेरा सर काउंसलिंग कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा बीच में डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि मेरा सोशल साइंस का ही मार्क बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया था। तो मुझे वो वाला सेशन हमेशा याद रहता है कि सर ने बोला था कि देखो
पढ़ाई अपने जगह है, पढ़ो बट इतना भी मत पढ़ो कि ब्लास्ट हो जाए। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये सोचते सोचते अपना प्रेजेंट मत भूलो, अपना सोशल मत भूलो। और मैंने फिर उस पर फोकस किया, मैंने सोशली भी सबको देखा, मैंने सब कुछ कंट्रोल करते हुए, और आज मेरा कहाँ 50% से कम सोशल साइंस से मार्क आता था, कहाँ आज मेरा 96 मार्क आया। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं शिक्षालय में आपसे मिला, सिद्धार्थ सर से मिला, मैं यहाँ आया, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने हिस्ट्री को छोड़ के और मैं आगे बढ़ा, मीन्स हाउ टू मूव ऑन मैंने सीखा। मैंने पहले एक कोचिंग ज्वाइन किया था बट मेरे को वो उतना पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पे बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर अच्छा नहीं था। बट यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, आपको एक एक क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट मिलता है वेयर यू कैन स्टडी एंड यू कैन अचीव योर गोल टू द सक्सेस, दैट्स इट। हाँ, होता है क्या जनरली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बच्चे के साथ एक अच्छा टीचर ना मिले ना तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो एक बच्चे के लिए, बच्चे के रिजल्ट के लिए सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक टीचर, एक बच्चे का हार्डवर्क, दूसरा होता है पेरेंट्स। ये तीन फैक्टर होते हैं जो बच्चे का रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। क्या आप ये बात को मानते हैं क्या? फॉर श्योर, है ना। अगर टीचर अच्छा पढ़ाने वाला हो और बच्चे मेहनत नहीं कर रहा हो तो रिजल्ट कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। यदि मान लीजिए टीचर नहीं पढ़ाने वाला हो और बच्चा पढ़ने वाला हो तो रिजल्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और दोनों अच्छे हो तब पक्का बनेगा। और पेरेंट्स घर पर ध्यान दे तब नहीं बन सकता, तब भी नहीं बनेगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चे घर पे फिर क्या कर रहे हैं।